वाले बैराज से पानी छूटने के बाद अब मथुरा में लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है। लगातार खतरे के निशान पर पहुंच चुकी यमुना घाटों को भी यमुना ने डुबो दिया है। कॉलोनी में लगातार पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते जल भराव की बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है। मथुरा नगर निगम ने यमुना किनारे बसी कॉलोनियों को पहले से ही अलर्ट कर दिया है। वहीं लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि यमुना के नजदीक ना जाएं। यमुना के इस रूप को देखकर लोगों में भय नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार आईजी आगरा रेंज और एडीजी आगरा मथुरा का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस लगातार यमुना किनारों के ऊपर बैठे नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो रात में 165 फुट से कुछ इंच नीचे पानी नजर आ रहा था, लेकिन सुबह वो 166 कुछ इंच पर पहुंचा तो लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि यमुना खतरे का निशान पार कर चुकी है। दिल्ली में लगातार मूलझार बरसात होने की वजह से मथुरा में भी इस समय प्रभावित इलाका दिख रहा है और लगातार बाढ़ की आशंका यहां बनी हुई है। और देखा जाए तो रात्रि में 164 पॉइंट कुछ यमुना का खतरे से निशान नीचे था और सुबह देखा जाए तो 166 पॉइंट ऊपर कुछ हुआ है और इससे लगातार जनजीवन पर बड़ा असर ही पड़ा है। और देखा जाए तो गोकुल के घाटों पर भी लगातार इस समय पानी की बड़ी आशंकाएं नज़र आ रही है और लगातार बहतियातकार और पुलिस के द्वारा लगातार यहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं नगर निगम भी लगातार उन कॉलोनियों को भी अलर्ट कर रही है जिन कॉलोनियों को उस समय विकसित कर दिया गया, लेकिन आज वहाँ पर लगातार पानी ही भरा हुआ है। मथुरा में जिस तरीके से प्रशासन और अधिकारी लगातार बाढ़ पर नज़र बनाए हुए हैं, वहीं मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अपने डीएम आवास के पास में एक बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाया है और इमरजेंसी केंद्र भी बनाया गया। लगातार रेफ्यू किया जा रहा है जिस तरीके से कि कोई भी अनहोनी या घटना ना हो। देखा जाए तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं आसपास में दिखाई दे रहा, कैमरामैन से कहेंगे कि जिस तरीके से जो बाढ़ ने रुद्र रूप इस समय धारण कर रखा है वो बहुत ही विचलित करने वाला है और लोगों के लिए इस समय एक भय भी लगातार बना हुआ है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रात्रि तक कुछ यमुना का पानी घटेगा, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से ये यमुना भरी हुई है उसे देखकर तो लग रहा है कि एक विकट रूप यमुना माँ ने धारण कर लिया है। जन टीवी से गिरीश, मथुरा। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से